चाहेंगे, कौन से तथ्य आपके पास है जिसके लिहाज से आप उपराज्यपाल से सवाल करेंगे? हम दो तरह के तथ्य लेके आए हैं। हम सब युवा, वही युवा जो इससे पहले भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा की गई नियुक्तियों में सवाल उठाए, चयन प्रक्रियाओं पे सवाल उठाए और उनका हमने जब विरोध किया, उनके सामने जो कुछ सच हम फैक्ट लेके आए, हम वही लोग हैं। आज फिर से जो एलजी प्रशासन कह रहा है, एलजी प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें सभी कंपनियों ने कहा था कि जो आप ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज बदली है, तो वो गलत कह रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एपटेक ने कहा था कि ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज हटाई जाए, और क्योंकि एपटेक ब्लैक लिस्टेड थी तो इसलिए उन्होंने क्लॉज हटाई और उसके बाद वो टेंडर में पास हुई, उसको टेंडर मिला। दूसरा, एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश यूटी में जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें किसी में एक भी व्यक्ति अगर बता दिया जाए कि वो ईमानदारी से नहीं लगा है तो वो यूटी से बाहर चले जाएंगे, या तो वो अपना बयान वापिस ले या फिर वो यूटी से बाहर जाने की तैयारी कर ले। ये एक वसीम आजाद एक व्यक्ति, फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी आज की डेट में आर के गोयल साहब के साथ जो कमेटी है वो कर रही है। ये वसीम आजाद जो व्यक्ति आप देख सकते हैं, इनका प्रॉक्सी किसी ने ग्राउंड किया है, और ये व्यक्ति बिलाल शाह नाम का एक व्यक्ति जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत की रोल प्ले किया है, मोहम्मद याकूब डार जिसकी सुपरविजन में ये, आप देख सकते हैं मोहम्मद याकूब डार इसकी सुपरविजन में ये रिक्रूटमेंट हुई थी। इसके अंदर इसके लिए एक कमेटी बनी इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी कर रही है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। अगर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से उनकी पर्सनल फाइलें बनी है? अगर उनकी पर्सनल फाइलें बनी है तो फिर रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड गायब करके आप ये साबित करना चाहते हो कि रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी से हुई है। अगर इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ सामने, आप हाइट चेक करेंगे सबके सामने तब भी अंडर हाइट पाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि हाइट वाले हैं, ये आरबीए कैटेगरी के यहाँ रोल नंबर है, तीन है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फेक आरबीए लगे हैं। दो दिन पहले भी एलजी प्रशासन के ही अधिकारियों ने एक दो केएस अफसर जो गलत तरीके से एएलजी सर्टिफिकेट बना के रिक्रूटमेंट जिन्होंने ली थी, ये भी वही है। आरबीए 2013 में था नहीं, लेकिन 2013 के बाद इनके पास 2019-20 में आरबीए आ जाता है। किस तरह से फेक सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट में काम करने वाले लोगों के द्वारा मिली भगत से किस तरह से रिक्रूटमेंट में धांधली करी जा रही है, और इस रिक्रूटमेंट का नतीजा क्या निकला है मैं आपको बताता हूँ। ये एक कोई पिता है, इतना खुशकिस्मत है, गुलाम मोहम्मद डार, ये फायर एंड एमरजेंसी में है, सर्विस में है, इसके पांच बच्चे थे, पांचों फायर एंड एमरजेंसी में लग गए। इसके बाद आप देखे गुलामुद्दीन डार कजिन, इसके दो बच्चे थे, दोनों लग गए। ऐसे ही कई ऐसे सिबलिंग्स है, कजन है, रिश्तेदार है, जितने जिनके थे। आप देखेंगे जो त्राल एरिया, यहाँ से ये डार साहब आते हैं या यहाँ से बिलाल शाह साहब आते हैं, वहां से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है। और ये हमें इसलिए बार बार कहते हैं कि हम लोग घर में जाके बैठ जाए ताकि ये दोबारा से रिक्रूटमेंट करें। हम बैठने नहीं वाले, अब हमें कानून चाहिए। पेपरों में धांधली किसी भी प्रकार की, चाहे वो डॉक्यूमेंट के लिए हो, चाहे वो वाइबा में कोई हेल्प करता हो, चाहे वो पेपर लीक करता हो, चाहे वो OMR शीट एम्बर करके, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। जो 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 कानून है वो तो है, लेकिन सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है खुद अपने हाथ में ले, प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। अब आपके साथ कोई सवाल? मनोज सिन्हा कहते हैं कि धारा 370 की समाप्ति के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पर लगातार मुखर रहा है और तत्पर रहा है अपने कार्यशैली को लेकर, लेकिन जो इस तरह की करप्शन होती है उनको कौन देखेगा? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो पटवारियों को पकड़ता है, कांस्टेबलों को सड़क पे पकड़ता है, जो उनका जो तरीका है वो कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में उनको भनक तक नहीं है। कोई बड़े एक्स MLA कहते हैं कि भाई हम इनको कुछ लोगों को ट्रैप करेंगे और वो ट्रैप कर नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं है, उनका जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं और अगर इसके बाद एपटेक को ही कहा गया कि आप पूरी परीक्षाएं करवाइए तो क्या होगा? ये किसी को भी कहे, अब कानून और सरकार खुद परीक्षा कराएगा तो ही संभव है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। क्यों लगता है कि भनक नहीं लगी हमको? देखिए साफ तौर पर किस चीज की भनक? आपने भी बोला कि सबके बारे में उनको भनक तक नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, तो भनक जो पब्लिक अवेयरनेस है, कुछ आपके जिम्मे है, कुछ एक्टिविस्ट के जिम्मे, कुछ हमारे जिम्मे है, सरकार का जिम्मा सबसे ज्यादा है। देखिए साफ तौर पर जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर की पहल जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही है, वहीं यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसे देखने को मिलते हैं कि परिदृश्य बदल रहे हैं।
युवा जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है और युवा लगातार बेरोजगारी का दर झेल रहे हैं। डिग्रीज उन्होंने ली है लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं है और जब नौकरी मिलती है तो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप परीक्षाएं करवाइए सरकारी नौकरी के लिए। भरोसा यहाँ पर टूट रहा है लेकिन एक मांग भी बढ़ती जा रही है कि अब आप जो है आपसे यही उम्मीद रखते हैं उपराज्यपाल जी कि आप जो है एक कानून का गठन कीजिए जिसके बाद तमाम युवाओं को ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका भविष्य जो है वो अधर में नहीं है, सुरक्षित हाथों में है, जिसके बाद तस्वीर इस प्रकार हो कि किसी भी युवा को सड़क पर उतरने को मजबूर नहीं होना पड़े, वो सीधा परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, परीक्षाएं दे, पारदर्शिता तरीके से उसकी नियुक्ति हो और उसके बाद उसका भविष्य जो है सुनिश्चित किया जाए। आप भी हमारे साथ बने, देखिए विश्व जम्मू चौहान की।